सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दी माई चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो ला सकूं। तो अब तक आपने देखा कैसे मैंने अपना ढेरा डाला और विलेजर के घर में जाके सो गया था। तो अब आगे एपिसोड 4। तो जैसे मैं उस घर में उठा और बाहर गया और फिर से मेरे इन्वेंट्री को सॉल्ट किया और बाहर निकल कर मेरी बोट जो बाहर थी ओशन के पास वो लेने जा रहा था, तो उस बोट को मैंने तोड़ लिया और अपने साथ ले आया। मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ जो कि मैंने भी ऊपर पानी डाला था और ये पानी ले लेते हैं। ये पानी भी बहुत परेशान कर रहा है इसलिए इसे भी उठा लेते हैं और अपने बेस के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट में अपने वो बोट वाला सामान ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मेरी इन्वेंटरी खाली रहे। बाद में मैंने वो थोड़े से ट्री की सैपलिन लगाई और एक शिप दिखी मुझे, तो मैं शिप के लिए घर का सामान बनाने लगा जो कि है फैंस के लिए वुड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने बहुत सारी वुड चॉप किए। एक भी वुड नहीं छोड़ने का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये वुड। आसपास के सभी वुड को तोड़ने लगा मैं ताकि मेरे लिए अच्छी स्पेस भी बन जाए और जो मुझे वुड चाहिए वो वुड भी मिल जाए। जब तक मैं वुड चॉप कर रहा हूँ तब तक प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सारी सैपलिंग फिर से उठा ली और उसको फिर से प्लांट कर दिया ताकि वुड की कमी ना हो, और मुझे एक ओक का वुड भी मिला तो वो भी मैंने चॉप कर लिया ताकि मुझे खाने में एप्पल भी मिल सके। फिर ये पहाड़ में मैंने जाके देखा, वहाँ पर एक केव थी, तो उसे देखकर मैं बाहर आ गया और फेंस बना ली। थोड़ी सी फेंस बनाई और लकड़ी की कमी हो गई थी तो दूसरी फेंस बना ली मैंने, और फिर अच्छी प्लेस ढूंढने लगा कि कहाँ मैं इसको रखूँगा। तो ये जगह मुझे अच्छी लगी, कॉर्नर में भी है और ज़्यादा मुझे तंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा प्लेट किया और ये सैपलिंग भी निकाल कर यहाँ पे प्लांट कर दी, ये कर दिया। और फिर मैंने वीट उठाई और ये शिप को रेस्क्यू करने लगा। शिप टस से मस नहीं गई ये वीट देख के भी, वो आगे ऊपर ही नहीं चढ़ रही थी इसलिए मैंने पानी डाला ताकि वो ऊपर आ सके, फिर भी नहीं आई वो। बहुत लालच दी पर निकल ही नहीं रही थी तो मैंने पीछे से डर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ऊपर चढ़ जाए। फिर पानी के नीचे भी गया और ये ऊपर चढ़ गई, जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गई। तो ये पानी हटाए ताकि वो आगे बढ़ सके और वीट का लालच देके अपनी ओर खींचने लगा मैं और जल्दी से उस फेंस की ओर ले गया। अरे आ ही नहीं रही, आई अंदर डाला इस शिप को और मैं फेंस तोड़ के बाहर आ गया। फिर दूसरी शिप ढूंढने लगा तो मुझे आगे जाके दूसरी शिप भी मिल गई, तो उसे भी वीट का लालच दिया और अपनी तरफ खींच के ले आया। तो उसे भी जल्दी से मैं
उसकी फ्रेंड के पास ले गया कैद करने। तो उसमें मैंने उसको कैद कर दिया दोनों शिप को, और दोनों को ब्रीड करवाया, और मुझे एडवांसमेंट भी मिल गई पेट वाली। तो ये फेंस तोड़ के मैं बाहर आ गया, और रात हो गई थी तो मैं फिर से विलेजर के घर पे जाके सो गया। और ये विलेजर को मैंने उठाया, चल हट मुझे सोने दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। और कमेंट में बताना कि आप भी मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, और क्या मैं इसमें क्या और इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो भी सब कमेंट में डाल देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके।